मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि मार्केट्स की लीकिंग खत्म करने पे ही मुझे अच्छे भले जो है ना पैसे भरने पड़ गए। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। इस वक्त आपका व्यू मार्केट्स में मौजूद है और हम जा रहे हैं मार्केट्स को वर्कशॉप पे छोड़ने ताकि इसका काम जो है एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी कर गई है, मैकेनिकल काम बहुत लंबा कर दिया मार्केट्स ने, तो हम एज सून एज पॉसिबल इसको ठीक करवाने के लिए देते हैं। और दुआ यही है यार, फटाफट पैक हो जाए मैकेनिकल, जड़ से हर मसले को हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इसके जो भी मसले हैं ना मैकेनिकल भैया, अब टाइम आ गया कि ये ठीक हो जाए, तंग ज्यादा ना करें, क्योंकि और भी इतने सारे काम है यार। अगर मैकेनिकल काम में हम फंसे रहे तो फिर भाई असल काम कब स्टार्ट करेंगे, इसकी ब्यूटिफिकेशन वगैरह का, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और भी बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ें इंशाल्लाह हम इस गाड़ी को लेकर करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, चलते हैं सीधा वर्कशॉप। क्या बात है, राइमिंग नहीं हो गया। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, चलते हैं सीधा वर्कशॉप। नाइस, गुड, ये लाइन बन सकती है। मेरी बड़ी कोशिश है इस गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज निकाल के आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊं कि भैया ये गाड़ी एवरेज क्या देती है। इस पे भरोसा नहीं कर सकते इतना, अभी गाड़ी पूरी सेट हो जाए ना, फिर आपका भाई इस गाड़ी की आपको एवरेज बताएगा कि यार ये गाड़ी असल में एवरेज क्या दे रही है। इस गाड़ी को लेने से पहले मोस्टली लोग डरते इसीलिए हैं कि यार ये पेट्रोल बहुत खाती है, 2500 CC, फिर 3000 CC, तो ये गाड़ियाँ पेट्रोल बहुत चूसती हैं, इस डर से काफ़ी सारे लोग नहीं लेते। लेकिन मैंने इसकी ये भी सुनी है कि यार शहर में अगर आप प्यार से इसको चलाओ ये गाड़ी अच्छी एवरेज भी दे लेती है। मैं तो बहुत प्यार से चलाता हूँ और एवरेज निकालता हूँ, देखते हैं। अभी तो चस्के ही नहीं खत्म हुए मेरे, तो जब चस्के खत्म होंगे तब भी एवरेज निकलेगी, ऐसे एवरेज नहीं निकलेगी। फिलहाल आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं 11.1 इस वक्त एवरेज दे रही है, लेकिन ये अभी कंप्यूटर रीसेट हुआ था, ऐसा कल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो बैटरी की तारें लूज थी, उतार के आपके भाई ने दोबारा लगाई, फिर स्टार्ट हुई। पहले डरा दिया था गाड़ी ने, मैंने कहा फिर नया मसला आ गया, लेकिन वो शुक्र है बैटरी की तारें लूज थी। वट कट एक करके ऑयल जरा पाया पूरी कंगी रिपेयरिंग जाएगी। तो अपडेट ये है कि मार्केट सब हमें यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ेगी और बबौल अंकल के इसके ऊपर 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और मैंने बिल्कुल यही कहा है भाई, खुला डुला टाइम है, कोई इशू नहीं है, आप बेशक एक हफ्ता भी लो, लेकिन गाड़ी अब ओके होके यहाँ से निकलनी चाहिए। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि मार्केट्स की लीकिंग खत्म करने पे ही मुझे अच्छे भले जो है ना पैसे भरने पड़ गए हैं। खैर बॉयज, आपको बताता चलूँ डिटेल्स में। एक तो इसका स्टेयरिंग रैक, ये देखो बूट पे लीकिंग आपको नजर आ रही होगी, ये देखो ये लीकेज
है, ये बूट लीक है, उसके अलावा ये शॉक लीक है। आगे चलते जाएं तो आगे जो इसका चैम्बर है ये भी कह रहे हैं सेम है, लेकिन ये एक दफ़ा ये डेंट जो है, ये डेंट अंकल कह रहे हैं ये भी ख़तरनाक काम है, ये डेंट भी सीधा होना चाहिए, ये चैम्बर भी खुलेगा। होपफुली हम जो ऑयल निकलेगा वो सेव कर लेंगे। आगे चलें तो ये ट्रांसमिशन बॉक्स का चैम्बर है, ट्रांसमिशन बॉक्स के चैम्बर में अच्छी वाली लीकिंग है, ये देखो ये लीकिंग है। उसके अलावा इसकी सील्स होती हैं यहाँ पर करके या फिर यहाँ पे करके, वो कुछ सीन है, तो मतलब ये खुल के एक दफ़ा डाउन होगा तो अच्छी तरह साफ़ सफाई हो जाएगी इसकी। मेन ध्यान मेरा लीकेज के ऊपर है कि ये जो लीकेजेस हैं इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल और जितनी भी लीकेजेस हैं ये ठीक हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, और भी ज़रूरी काम है, यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी अब स्ट्रीट परफॉर्मेंस के हवाले है, लेट्स होप सो यहाँ से गाड़ी अब ओके होके एक ही दफ़ा निकले। अब देखते हैं सस्पेंशन का भी शायद काम हमने बीच में करवाना हो, साथ साथ आपको व्लॉग्स में अपडेट मिलती जाएगी मार्केट्स की। लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं और लालू की जाके एंड्रॉइड स्क्रीन लगवाते हैं। तुम्हें फिर से छोड़ के जाना पड़ रहा है, और अब तुमने बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना मुझे दे दी है, इसके बाद अब टेंशन नहीं देनी मुझे, ठीक है ना। अब ठीक होके यहाँ से निकलना, जब यहाँ से निकलोगी बीच में मैं आता रहूँगा, टेंशन नहीं देनी तुमने, ठीक है ना, मैं चक्कर लगाता रहूँगा। बेफिक्र हो कि तुमने यहाँ पे अपना काम करवाना है, और बिल्कुल यम पम पप्पू मार्केट्स बन के यहाँ से निकलना है, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है मैंने। ओके, सी यू मार्केट्स, बाय बाय। क्या भाई ये क्या तरीका है, चल गया चल गया चल गया। ओके जनाब, मार्केट्स को वर्कशॉप पे छोड़ के हम आ चुके हैं वापस, और हमने निकाल लिया है लालू को, और लालू का आपको पता है क्या काम होने वाला है, जो पेंडिंग है इसकी एंड्रॉयड स्क्रीन हमने पिछले ब्लॉग में आफ्ताब भाई को दी थी, उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया था, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना था, तो वो एंड्रॉयड सिस्टम जो है इसका दोबारा एंड्रॉयड जो है इसके अंदर फिट होनी, और देखते हैं यार हो सका तो कोई अपग्रेड भी कर लेंगे इसके ऑडियो सिस्टम में। इसके फ्रंट के जो स्पीकर्स हैं वो नहीं चल रहे, तो भी चलते हैं सीधा आफ्ताब भाई के पास और देखते हैं भैया इसका क्या क्या काम करवाना है हमने और क्या नहीं करवाना। Here we go again. भैया मार्केट्स पप्पू हो ना हो, लेकिन हमारी लालो तो देखो शुरू से ही पप्पू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यार। इसका एक छोटा मोटा है, लेकिन वो तो मेंटेनेंस चलती रहती है, आपको पता है। फिर जो हम मार्केट्स पे मेहनत अभी कर रहे हैं ना, वो भी इस पे मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मार्केट्स भी इंशाल्लाह इसकी तरह पप्पू हो जाएगी, कि सेल्फ मारा निकले, जो भी किया काम काम करके वापस, वर्कशॉप के चक्कर इतने नहीं लगवाती है। शीशा बिल्कुल साथ, मे बी संडे मंडे तक इंशाल्लाह माल आ जाएगा, फिर मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा आगे लगवा। उसके बाद मार्केट्स का भी इंशाल्लाह सिस्टम हम अपग्रेड करेंगे, कर वो टेस्ला ही लगता है उसमें। वही ना, टेस्ला वाली कितने की मिल रही है, तो काफी महंगी है, 85 की रेंज से ऊपर ही है। सर आप लोग इस गाने का नाम मुझसे पूछते हैं, ये इस गाने का नाम है महसूस हो रही होगी आगे फ्रंट पे, तो कमी महसूस हो रही है इंशाल्लाह। स्पीकर रह गए, वो नेक्स्ट वीक में हम इनको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी सिस्टम कैसा है, बेहतरीन बेहतरीन, तो बस फिर ये अगले भी कंप्लीट कर दो, हो जाता ठीक है। थैंक यू, ओके ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको बुलाता हूं। ओके, तो वो JBL वाले स्पीकर लगा के इसको कंप्लीट कर, ओके जी ओके, थैंक यू साहब। ओके बॉयज, इस व्लॉग को यार यहीं पे खत्म करते हैं, एनर्जी थोड़ी सी कम है ना आज के लिए यार,
तबीयत डाउन जा रही है जैसा कि आपको पता है, तो बस दुआओं में याद रखें भाई को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में भाई को याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। नहीं निकालेंगे अब, ये मुझे दोबारा शॉट लेना पड़ेगा क्योंकि ये मजेदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। हल्का हल्का ना जुकाम भी है ना, अजीब लग रहा है जैसे नाक बंद है मेरा। कोई अपग्रेड भी करें, मेरी तो कोई शायद कोई अपग्रेड कर लें, कोई अपग्रेड कर लें हम।